कवि की मंगल कथा सुनाते हैं सुनोती। एक मंगल जैन इतिहास सुना रहे हैं। जिन व्यक्ति का मंगलिक स्वरूप मंगल भगवान की जिनेंद्र की भक्ति कैसी होती है। अरे आचार्य भगवान नियम सार जी में कहते हैं, भव्य का वेदन करने वाले इन भगवान के प्रति यदि तुझे भक्ति नहीं है तो तू संसार में रहने वाले मगरमच्छ के मुख में है। तो कविवर धनंजय की मंगल कथा यूं कहे तो इतिहास की कथा, पौराणिक कथा नहीं है, ये तो अभी के वर्तमान के इतिहास की कथा है। धनंजय कवि हुए हैं आचार्य मानतुंग स्वामी के समय, हाँ, और मानतुंग आचार्य के शिष्य ही थे समझ लो, ऐसा आता है। तो उनकी मंगल भक्ति, उनने कैसी भगवान की भक्ति करी। सम्यक्ति का निमित्त है जिन जिन भक्ति सुख रूप, जिन दर्शन से निज दर्शन कर दियाओ शुद्ध चिद्रूप। भव सागर की नौका ये प्रभु वर कहते हैं, धनंजय कवि की मंगल। दूसरी लाइन बोलना, इतिहास पुराण नहीं है जे। करो जिन दर्शन मंगल रूप, करो जिन दर्शन मंगल, लखो अंतर में चिद्रूप, लखो अंतर में चिद्रूप। आत्मा दर्शन का निमित्त जिन दर्श दिखाते हैं, धनंजय कवि की मंगल। जिन भक्त धनंजय कवि, जिन्होंने विषापार स्त्रोत की रचना की है, विषापार नाम के स्त्रोत को, बेटा इधर बैठना थोड़ा, हाँ हाँ पलटी कर दो इधर, न मुझे लगता है वो मेरी चौकी बजाने वाला है थोड़ी देर बाद। मुझे लगता है वो चौकी बजाने लगेगा तो मेरा क्या होगा। अब अच्छे हैं छोटे हैं बैठ जाते ही अच्छा समझो तो। हाँ सम्यक्ति का नहीं, देखो जिन वक्त सम्यक्त से भूषे कविवर धनंजय, रहे ग्रह में मन तो वन में सम्यक्ति की महिमा अजय। वे घर में रहते थे पर मन तो उनका वन में रहता था। वे वस्त्र पहना करते थे लेकिन मन में दिगंबर मुद्रा बसी रहती थी। वे राग के बीच में दिखते थे लेकिन चित्त तो विरागी था। वे कदाचित कदाचित गृहस्थ के कार्यों में तो अशुभ राग में भी दिखते थे लेकिन उपाधि शुभ राग को भी नहीं मानते थे। समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे विराग न्याय नीति और सदाचार युत कैसा जीवन था, जीवन दिखाते धनंजय कवि की मंगल। न्याय नीति सदाचार में जिनका पवित्र जीवन था, बड़े खूब रचना चिंतन मंथन उनके हैं। अष्ट अंग सहित अष्ट गुणों से है, अष्ट अंग सहित 25 दोष रहित परमार देव गुरु धर्म की श्रद्धा, तत्वार्थ का श्रद्धान सुपर वेद विज्ञान पूर्वक आत्म दर्शन करते हुए निर्मल सम्यक्त जिनको प्रकट था। और निर्मल सम्यक्त के प्रताप से
उनको चित्त विषयों में कहीं नहीं लगा, रुचता ही नहीं था संसार उन्हें। अरे भाई जब आत्मा रुचे तो संसार रुचे ही नहीं, आत्मा रुचे तो कहीं आनंद लगे ही नहीं। तो वे लौकिक कार्य करते हुए, उनके एक पुत्र एकलौता बेटा, खूब धर्म के उसको संस्कार दिए हैं, गृहस्थी में रहते हुए राजकार्य करते हुए लौकिक जीव कार्य करते हुए वे प्रभु को नहीं भूलते थे, स्वाध्याय को नहीं भूलते थे, वह सदाचार में जीवन जीते थे। अरे कभी संसार के लिए समय सार को मत छोड़ना भैया। कल ही संध्या की कथा आपको सुनाई जा रही है, धन के लिए धर्म नहीं छोड़ना, धर्म के लिए धन छोड़ के सब छोड़ देना, लेकिन धर्म किसी के लिए मत छोड़ना। क्योंकि भैया जिका तुम्हारे सहयोग करने वाले पाप की गठरिया लेके तुम्हें संग जाना पड़ेगा, जो तुम परिणाम कर रहे हो उसका फल तुम्हें मिलेगा। क्या किया वेद अनंजय कवि, न्याय नीति इनका जीवन, बच्चे को खूब मंगल संस्कार दिए थे और कैसे रहते थे, ऐसा मंगलमय जीवन उनका था। जिनेंद्र की पूजा, स्वाध्याय तप, स्वाध्याय जिन पूजा देव पूजा गुरु उपासना स्वाध्याय संयम तप और दान में उनकी प्रवृत्ति थी, और वेद ज्ञान में ही उनकी निवृत्ति थी। इनके जीवन में छह आवश्यक थे। भैया के चेहरे पर धूप आ रही है, ने कहा आगे बैठा दी उन्हीं को, आपकी बड़े भैया जी आप आगे बैठा दो उनको। साधर्मी की पीड़ा ऐसी लगे जैसे अपनी पीड़ा हो, भगवती आराधना जी में हमने क्या है, साधर्मी की रक्षा शरीर की तरह करो, संयम की रक्षा नेत्र की तरह करो। जैसे तुम्हें पीड़ा दिखाई देती है वैसी लगे हमारे साधर्मी को पीड़ा है, तब तुम्हारा वात्सल्य है। यहाँ तो तुम्हें साधर्मी के प्रति वो वात्सल्य न उमड़े, हमारे आचार्य तो जीव मात्र के प्रति। क्यों, अगर मेरे सिर पर धूप आने लगे तो सब देख लेंगे, सब कह देंगे मुझे सहन नहीं होगी, मैं जब मैं नहीं सहन कर पाता तो ये कैसे सहन कर रहा पाए। भैया साधर्मी की वृद्धि खूब आत्सल्य रखो, खूब उल्लास रखो, तब तुम्हें तत्व समझने की पात्रता आएगी। और साधर्मी में धर्म देखना, पैसा मत देखना, चौसम ज्ञान मत देखना, एक दो ऊंची नीची क्रिया मत देखना। हम चार उपवास कर लेते हैं तो हम बड़े धर्मात्मा, जे नहीं कर पा रहे तो ये छोटे धर्मात्मा। भैया उसको शक्ति नहीं है वह प्रकार की, कोई बात नहीं, अवक्ष तो नहीं खा रहा। अगर तुम्हें ये लगता है कि धन के कारण से मैं कुछ अलग हूं और एक छोटे साधर्मी को हीन समझते हो तो सम्यक तो कभी प्राप्त नहीं होगा। चौसम ज्ञान से अपने को कुछ बड़ो समझने लगे, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हमने एक दो क्रिया जाना कर ली, हमारे संघ के ब्रह्मचारी भैया उससे नहीं बन रहा है, हमने समझा हम बड़े, कबू बड़े नहीं होते, दास भगवंत के वे ही बड़े होते हैं जिनके बड़ों की भक्ति होती है, और बड़े साधर्मियों में बड़ों वात्सल्य होता है। बड़ों जब हो जाते हैं, जब छोटों के लिए सर्वस्व निछावर कर देते हैं तो लोक व्यवहार में भी बड़े हो जाते हैं। लोग व्यवहार की बात समझ गए ना, हाँ, जो उनके लिए बड़े सेठ कहलाते थे, बड़े धर्मात्मा भी कहलाते थे, जो छोटों के लिए निछावरी करना जानते थे, कोई साधर्मी को कोई पीड़ा हो तो ऐसे सहयोग कर देते थे कि उसको पता ही ना चले। ऐसा नहीं सोचते थे कि जब तुम कहो तुम हमसे कह देना तो हम तुम्हारी कर देंगे, तो ध्यान रखना धर्मात्मा हो तुम्हारी हम मांगने नहीं जाएंगे। पात्र मांगते नहीं हो, मांगने लगते हैं तो पात्र रहते नहीं। बड़े वात्सल्य से हृदय भीगा था, प्रसन्नता से घर में रह रहे, और एक बार भगवान की पूजा जिन मंदिर में कर रहे थे,
एक दिवस जिन मंदिर में जिन भक्ति में थेली। और चंद्र प्रभु भगवान ही की, उनकी मंदिर का प्रसंग तो आई है, कथा में आ जाएगा। जिन सम निज सो दातम लग कर कर्म करें प्रक्षीण, सो दो बेयोग कबाय अवलंबन लख अरसाते हैं। धनंजय कवि की मंगल कथा सुनाते, सुनो जी मंगल करो जिन भक्ति मंगल रूप, जाओ अनुपम और चिद्रूप। अब अपन याद है, लेकिन ये भैया तो को अंधी से तो काम थोड़ी है, पुराण नहीं है जी, इतिहास है। क्या हुआ है, भगवान की भक्ति में मंदिर जी में मग्न थे, लीन थे। और क्या होता है, आओ आत्मा को आत्मा उपाधि है भाई, जिन मुद्रा लग कर शिक्षा ले ओ ये मंगलदाई। क्या शिक्षा लो, आत्मा के लिए आत्मा ही उपाधि है, पकड़ में आया। आत्मा के लिए कोई अन्य उपाधि हो ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रभु आत्मा को देख रहे हैं ना। है? है? लौकिक में भी कहा जाता है कि एक भिखारी बेचारा और राजा के पास में गया मांगने के लिए, कि कुछ मांग लूं। तब तक बोले राजा साहब अभी उठेंगे, वो पूजा कर रहे थे परमात्मा की, तब उठ के आएंगे, तब वे उनसे मांगेंगे, आप ले लेना। तो वो देखे कि वो आए, हमारो कृपा बनी रे, आप दे देना, ऐसा कर ऐसा देख रहा है, और देख रहा है ये भी को उसे मांग रहा है। अरे ये राम से मांग रहा है ये भी, अच्छा। और जो जिन जिन से मांग रहा है अपन भी उनसे ही मांगे, है कि नहीं है। तब और भैया कहते ये कहते के देख ला, हम रह तो गए, बोले हम और तुम सब एक से ही तो है, जब तुम मांग रहे हो तो हम भी उनसे ही मांगेंगे, हम क्या को बड़े। भगवान ये कह रहे हैं कि हम भी ध्यान रहे हैं, किसको ध्यान रहे हैं, कि हम आत्मा को ध्यान रहे हैं। तो भगवान को देखकर ये सीखने को मिलता है कि आत्मा ही ध्याने लायक है, आत्मा के लिए आत्मा ही उपाधेय है, अनंत सामने भी आत्मा ही उपाधेय है। क्या किया है, स्वयं पूज सुधा तुम मेरा और माई सुमरते, आओ आत्मा को आत्मा उपाधेय भाई, जिन मुद्रा लग कर लो ये शिक्षा अरे मंगलदाई। स्वयं पूज शुद्धात्मा मेरा, जिन पूजा में सीखते हैं, धनंजय कवि की मंगल। आत्मा पूज है ये जिन पूजा करके सीखते हैं, आत्मा उपासनी है ये जिन इनकी उपासना से सीखते हैं, आत्मा ही समझ स्वयं समझने लायक है ये स्वाध्याय से सीखते हैं। भगवान के सामने हाथ जोड़े हैं और क्या कह रहे हैं, भगवान हम जानते हैं इस पूजा में पुण्य बनेगा, लेकिन पुण्य हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, पुण्य से वैभव, वैभव से मति विभ्रम होती नाथ, मति विभ्रम से पाप होए फिर नरक में होता बा। ऐसा पुण्य हमें नहीं चाहिए, प्रार्थना करते हैं, धनंजय कवि की पुण्यम समग्र मय में के मना जो। भगवान पुण्य से वैभव मिलता है, वैभव मिलने पर मति विभ्रम हो जाती है, पागल हो जाता है। लक्ष्मी आई था, हा मैं कछु कछु हो गया, सब कुछ मिट गया, चला गया, हैं? मैं कुछ हूं अपने सा मंदिर में भी ऐसा लगे कि मैं कुछ हूं,
मैं तो कुछ हूं ना सेठ जाए, भगवान राज बताने चक्रवर्ती कह रहे हैं हमें महाराज मत कहियो, महाराज तो हमारे वे हैं त्रिलोकी नाथ मुनिराज, मुनिराज पधार रहे हैं वे हमारे महाराज हैं, हमसे महाराज मत कहियो। हाँ नहीं बीच में कह दो महाराज, मामा महाराज का अपमान है वो, लोक व्यवहार का महाराज बना है वो चक्रवर्ती बना दो, समझ में। परंतु ये आगम में तो बस दिगंबर मुनि को ही महाराज का है, भले ही सीतंबर वस्त्र सहित महाराज कहने लगते हैं पर दिगंबरों की ये परंपरा नहीं है कि वस्त्र सहित हमारे यहाँ महाराज होते ही नहीं है। हमारे महाराज तो वस्त्र का एक अगर धागा भी है तो हमारे महाराज नहीं है वो। तो क्या लिखते हैं, अरे भगवान जब वो वैभव बढ़ता है तो मिथ्या दृष्टि की मति विभ्रम हो जाती, ऐसो पुण्य हमें नहीं चाहिए। तो ऐसो पुण्य नहीं चाहिए तो कैसो पुण्य चाहिए, एक प्रश्न मेरा उठ गया इस समय से। ये तो मूल गाथा है परमात्मा प्रकाश जी की, उसको ही अनुवाद है यहाँ, समझ में आया। तो फिर कैसा पुण्य चाहिए कि पुण्य हमें चाहिए ही नहीं, पहले नंबर हैं हमें तो हम पुण्य लेने यहाँ आए ही नहीं है, हम तो यहाँ पुण्य पाप से रहित आत्मा की दृष्टि करने के लिए आए। पुण्य तो सड़क पर भी बंध जाता है, तो जैनी तो कहाँ पुण्य ना बांधे, सब जगह बांधे हैं, परंतु यहाँ मात्र हम पुण्य लेने नहीं आए। तो पर यहाँ काय के लिए आए, कि पुण्य पाप से रहित जो आत्मा है उसको देखने आए, उसे लेने आए। कल की भाषा याद करो तो ये ज्ञायक के रसिया ज्ञायक रस लेने आए हैं, पूजा का तो किया बहाना ज्ञायक ध्याने, तुम रसिया हो नाते हम भी रसिया बनने आए हैं, पूजा का तो किया बहाना दर्शन का तो किया बहाना निज दर्शन करने आए। हमारे गुरु महाराज चैतन्य की महिमा करते हैं तो चैतन्य को कैसे दर्शन करें, इसी के लिए आपके दर्शन करने हम आए। तो क्या लिखते हैं, तो फिर कैसा पुण्य चाहिए, कि पुण्य पहले तो चाहिए ही नहीं, तो फिर कैसा अगर मिले ही तो हे प्रभु जाचु नहीं सुरवास पुनि नर राज परिजन, उदया चहु तब भक्ति भव भव दीजिए। हे प्रभु पुण्य भी बनता है तो वो बने जिसमें पुण्य पाप से रहित दिखाने वाली आपकी भक्ति मिले, धर्मात्माओं की संगति मिले, आर्य क्षेत्र मिले, आत्मा की महिमा करने वाली जिनवाणी की बात सुनने को मिले। हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें वैभव नहीं चाहिए, हमें तो प्रभु आपकी आपके दर्शन मिलते रहे, इससे बड़ा और सचु नहीं। इसमें यह अंत में मांगा है विशापार स्त्रोत में, हे भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, यदि कुछ इच्छा हो जैन की तो उपकारी दो बुद्धि, ऐसी करूं प्रीत सो भक्ति तुम्हारी है। अब आगे आएगा प्रकरण में, तो भगवान की भक्ति में मन थी। स्वानुभव अई जिन भक्ति का मंगल प्रसाद, क्या कह रहे, आत्मा का अनुभव नहीं विजय कुमार जी, जिनेन्द्र की पूजा का भक्ति का प्रसाद है, ये आत्मा का अनुभव हो गया, ये जिनेंद्र की भक्ति का प्रसाद है, प्रसाद है। जाके जाको पा करे आओ बहु प्राणी मैटे सर्व विषा, सच्ची भजन सच्ची भक्ति साचा दर्शन जिनवर का, आत्मानुभव में पाते हैं धनंजय कवि। सच्चे दर्शन जब होंगे जब तुम आत्मा के दर्शन, अरे भैया हम कोई व्यवहार भक्तियों की में अटकाने वाले नहीं है हमारे आचार्य, समझ में आया। स्वानुभव में ही जिनेन्द्र परमात्मा के साचे दर्शन होते हैं, क्यों जिनेन्द्र तो अतिन्द्रिय है, जिन सोई है आत्मा अन्य सोई है कर्म, समझ में।
मग्न हुए जिन भक्ति में, पर की सुध बुध कछु भी नाई। ऐसे मगन भाई भगवान की भक्ति में, विजय कुमार जी कैसे मगन भाई। भैया घर को काम धर दो है, पानी भर के लाना है, क्या ये करना है, कछु वो याद नहीं। कैसे मगन भाई, धनंजय कवि, मगन भाई हुए जिन भक्ति में, पर की सुध बुध कछु नाई। करा मेरा गादी बिन दिखे, पर अन्न की बात कहाँ। वो लड़का की बात, घर की बात, दुकान धंधा की बात, वार की बात है कहाँ। एक बार तो एक भगत पढ़ रहा विनय पाठ, पढ़ रहा है भैया तुम मिन में बगल हो जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी यारो करो मोहे स्वादीन। इतनी फास्ट पढ़े जा रहे हो, जन तुम मिन में बगल हो जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी यारो करो मोहे स्वादीन, ऐसे पढ़ते हैं बहुत से लोग जल्दी जल्दी। तो हमने कहा अच्छे बता भैया, तुम भगवान के बिना व्याकुल हो रहा है, और को के बिना व्याकुल। तुम लोग तो बड़ी अच्छे से भक्ति पढ़वाते हो, अमित जी पढ़वाते हो, जो भी भैया लोग गवाते सफल जन्म मेरो, बड़े अच्छे अच्छे से भक्ति कर, लेकिन क्या तो इतना भैया कहाँ पढ़ रहा है तुम, कुछ पता है कि भगवान में आपके बिना ऐसा व्याकुल हो रहा है जैसे जल के बिना मछली। मैं ये तो हमें ऐसा लग रहा तो वो और कोई के बिना व्याकुल हो रहा है। क्या पंडित जी क्या करे, तो कान में जा रहे, धंधे में जा रहे, पूजा भी पूरी करना है तो पूरी काम कर रहा है। भैया एक पढ़ लो अच्छे से, भले एक स्तुति पढ़ो। कई बार सब जगह ही पाठन की बड़ी परंपरा है, ऐसा लगा हम 10 पूजा कर लेंगे तो भगवान अच्छे से खुश, बढ़िया लगेगा ना। कछु 10 भले मत करो, एक करो लेकिन अच्छे से करो, समझ में। हम 10 पूजा का निषेध नहीं कर रहे, परंतु भाव पूर्वक पढ़ो। हमारी भाषा में 10 रोटी खा गए तो क्या मतलब निकलो, भाव वासना पूर्वक करो। तो ऐसे मग्न भए कि राग का मोह का कोई विकल्प नहीं, चैतन्य भगवान आत्मा और परमात्मा दो दिखना चाहिए। मंदिर में तो कोई दूसरा दिखना ही नहीं चाहिए, यहाँ तो जिनेन्द्र और अपना आत्मा बस दो का और कोई नहीं। क्या हुआ है, कैसे मगन हुए। चिंते का जिन गुण चिंते कवि, निज शुद्धा तम ध्याए। कभी तो जिनेन्द्र भगवान के गुणों का चिंतन कर लगे, और चिंतते चिंतते अपने आत्मा को ध्याने लगे। मंगलकारी भक्ति कर रागादि विघटाए, स्वानुभवी जीवी जच्ची भक्ति रचाते हैं। अनंजय कवि की मंगल सुनो जी, करो जिन भक्ति मंगल रूप, द्याओ अंतर में चेद्रु मगन हुए। और भगवान की भक्ति में चैतन्य में मग्न हो गए, तभी क्या होता है, तभी समाचार आया। भक्ति कर रहे हैं और पूजा कर रहे हैं, पूजा करते करते ऐसा आत्मा दिखने लगा। और अभी तक तो मैं उनकी पूजा अपनी भाषा में याद करें ना, तो बिना पाठ के बाद पीटिका और पूजा प्रारंभ भी हुई है। देवी साचे गुरुवर आओ, अब ऐसी कोई पूजा पढ़ रहा है वो कोई, ये जरूरी नहीं जी पूजा उस समय, लेकिन इस पूजा के भाव तो वे तो सब थे ना। मैं स्वरूप दर्शार किया परम उपकार, मैं नमन करूँ अरसा। आप समीप जाओ तो क्या मिलता है, निज सुमरण सुआ, निज प्रभुता मुझ में प्रभो, प्रत्यक्ष देय दिखाई। मग्न हो गए, पूजा उनकी प्रारंभ ही हुई थी, तभी तो घर से समाचार आ गए।
तभी समाचार घर से आया, पोत्र को डस गया सांव। हे कबीबर सुनो सुनो, वे कुछ सुन ही नहीं रहे, भगवान के सामने खड़े हैं। धनंजय कवि जी सुनो, वेदी चंद्र प्रभु की वेदी है, अपने तो सामने ही है, ऐसे कोई भगवंत की वेदी? बे अत्रो अत्रो, और अपनी पूजा में मग्न है। अरे आपको पता नहीं है, आप ऐसी समझ रहे हो। दो चार लोगों ने, अरे तुम्हारे बेटा को सर्प ने खा लिया। मूर्छिते बेटा नीला पड़ गया है, शीघ्र पधारो। नीला पड़ता जा रहा है, मुख से बेचर रहा है, वैद्य तो डॉक्टर मना कर दिया है। आज आपको इतनी देर लग गई, जल्दी चलो साहब घर पर। बोलो अब सुनेंगे तो क्या करेंगे? अब पूजा अभी तो अधूरी चल रही थी, शुरू ही हुई थी, तो क्या करो? अब तो बहुत से लोग तो जय हो भगवान की हैं छोड़ करके ही, और मन तो छूट ही जाए, लेकिन इकलौता बेटा 11 साल का और सर्प ने खा लिया। लेकिन सुनी अनसुनी करी, सुन करके भी सुनी अनसुनी करी, चित्त जिन भक्ति में धरते है, धनंजय कवि की मंगल कथा। आयु के जैसे मरने ओ, ये जीव का बात कहे जिन राज, प्रभु की आज्ञा स्वीकारो, कछु नहीं सोचो जीव राज। जिन भक्ति तज कहीं न जाना, निर्णय करते हैं, धनंजय कवि की। वे तो अपनी बात का चिंतन में मग्न हो गए और भक्ति करने लगे भगवान की पूजा में। बहुत देर हो गई, 1 घंटा हुआ है आज तो, और पूजा करते करते। नहीं आए पति पुत्र मृत्यु, सन्मुख सुन करवी, अगर मारना हो तो मार दो, शब्द कही दुख कर। लेकर के आ गई पत्नी, उठा करके ले चलो, जब ये आ ही नहीं रहा है, मैंने पूजा ही करना है तो कर ले पूजा अपनी। और रो तो भाई वो पत्नी गोदी में लेकर बेटा को, 11 साल के बच्चे को, और मंदिर में कुछ श्रावक गण भी है साथ में। क्या होता है? बोले बिना आने ही नहीं है, मैंने आए तो सभी लोग रो जा रहा, तो आधी घंटा माई आए तो भी ऐसे बाग मेरे कछु नहीं दिख रहा, और बेचारी वो भी मोह में ला करके। अगर मारना है तो मार दो, ले आई। सही मार नहीं है जो बेटा है, ना कोई को बलवार, ना कछु करना, बस अभी आज ही पूजा हो रहा है। तो भाई साहब उस समय ऐसी स्थिति हो तो न जाने काका शब्द निकले, सोच ले हम तो धारे जे बेटा धारो है। गुस्सा में रोने लगी, बैठ करके अट गई। और बीए वाले ओ सुत को जिन वेदी सन्मुख रखती है, मूर्छ बे जरा रहा वही बेटा हुआ, और बे पूजा चल रही है, भक्ति चल रही है। कौन की? भगवान की। पुत्र की तरफ निगाह नहीं गई, इसका नाम है व्यवहार भक्ति। समझ में आया कि नहीं आया? ओ सुत जिन वेदी के सन्मुख रखती हैं, मुख से विषजरता पुत्र चरणों माई पड़ा, पुत्र की दशा देख कर भी चित जिन भक्ति में खड़ा। अनन्य शरण जिन स्वामी है लख अनन्य शरण जिन स्वामी लख, प्रसन्न तवर तेरे, धनंजय कवि की मंगल कथा सुनाते हैं।
करो जिन भक्ति मंगल रू जाओ और माई सुध। तो यार लो कर भाभी महाराज अब जल्दी पूजा करो ले चलो कहूं। लेकिन वे तो मग्न हो गए और पूजा पूरी हुई है और उसके बाद उन्होंने दूसरा कार्य शुरू कर दिया। क्या शुरू किया है? पुत्र का क्या होगा? मरण होगा कि जिंदा होगा? क्या भगवान को देख रहे हैं, पुत्र को नहीं देख रहे हैं? कल माला रोहन जी के साथ में